Starting with the greatest name of Allah, who is Rahman and Rahim. Today we are going to make the video of maths of class 3. That is about division. That is on page number 95, the exercise 10. बेटा इसमें हमें डिवीजन करनी है. हमने पिछले वीडियो में भी डिवीजन सीखी थी, लेकिन ये थोड़ी उससे आगे चलेगी. तो एक्सरसाइज 10 को हम हल करते हैं. इसके दो सम्स मैंने रफ पेज पे लिखे हुए हैं, ठीक है. उसको पहले हल करते हैं. बेटा सम नंबर ये लिखा हुआ है 67 डिवाइडेड बाय 3. वैसे आपको तो पता होगा कि ये डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइज़र होता है, और जितनी बार टेबल जाती है वो हमारे पास क्वेश्चंट होता है. जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है. तो बेटा डिवीजन में क्या करते हैं कि हम टेबल पढ़ते हैं. तो टेबल गिवन होता है, वो टेबल हम कोशिश करते हैं कि पहले नंबर पर जाए. हाँ, अगर पहले नंबर पर नहीं जाता तो दूसरा उसके साथ हम मिला लेते हैं. लेकिन यहाँ पर पहले नंबर पर जा रही है, क्योंकि पहला नंबर जो है टेबल से बड़ा है. अगर बड़ा होता है नंबर तो टेबल जाती है. तो 3 का टेबल 6 पर पढ़ेंगे. इतनी बार पढ़ेंगे या तो हमें ये नंबर कंप्लीट मिल जाए या इससे कम मिल जाए. तो 3 1 3, 3 2 6, देखें कंप्लीट जा रहा है तो हम कंप्लीट ही लगाएंगे. 3 2 6, माइनस करें, 6 में से 6 का 0 बच गया. अब माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट नंबर होता है वो उस रिमाइंडर के नीचे हम साथ रख देते हैं, ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है. अब ये 0 फ्रंट वाला ये काम का नहीं है, ठीक है. यहाँ पर 7 आ गए हैं. अब 7 पर हम 3 का डबल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है. इतनी बार पढ़ेंगे या तो 7 हमें कंप्लीट मिल जाए. देखें 7 टाइम नहीं, याद रखिएगा, या तो हमें 7 मिल जाए या 7 से कम नंबर मिले बेटा. तो इतनी बार हम पढ़ेंगे. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 बढ़ गया, तो 3 2 6 करेंगे इसको हम, ठीक है. अब हम माइनस करेंगे, 7 में से 6 गए, बस क्या 1, ठीक है. माइनस करने के बाद अगर कोई नेक्स्ट नंबर होता तो उसे हम उतार के इसके सामने लाते, नहीं है बस आपके ये सम हो गया, ठीक है. इसी तरीके से नेक्स्ट सम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे. देखें क्या टेबल जा रही है, जी हाँ बेटा. अगर दोनों नंबर सेम होते हैं टेबल जाती है. लगाएंगे पहले तो 5 1 5 हो जाएगा, माइनस कर 0 बच गया. कट करने के बाद क्या करते हैं, जो नेक्स्ट नंबर होता है उस रिमाइंडर उसके रिमाइंडर यानी कि जो कट करने के बाद जो आंसर आता है उसके सामने उसको हम उठा कर आते हैं नेक्स्ट नंबर. अब यहाँ पे देखें क्या हो गया है, 2 हो गया है. अब क्या 5 का टेबल 2 पे जा रहा है, नहीं. अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, आप जब ऊपर से नंबर नीचे लाते हो टेबल नहीं जाती, तो आप आंसर में 0 दे देते हो, ठीक है. हाँ, फिर अगर हमारे पास कोई नंबर होता तो उसको हम उसके सामने लाते, ठीक है. नहीं है तो बस छोड़ देंगे बेटा. ये बात याद रहे कि जब आप ऊपर से नंबर नीचे लाते हो टेबल नहीं जाती, तो आंसर में 0 आता है, ठीक है. अब नेक्स्ट नंबर नहीं है हमारे पास, तो ये हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है. तो अब इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के सम एक्सरसाइज 10 के सम ए बी सी ओ डी यानी कि 4 सम्स करके आप हमें होमवर्क के हालत में आप व्हाट्सएप पे हमें सेंड कर देंगे. थैंक यू. लेकिन वो रफ कॉपी पे होना चाहिए.